अरे यार फिर माइक लगा नहीं बीच में ना करें आप लोग, आप चेयर ऐसे कर लीजिए भाई, माइक नीचे करो, घुमा लीजिए पूरा पूरा यू ऐसे घूम लिया। हां आइए आइए। नहीं अरे कौन सा कर क्यों मार रहे हो यार, माइक आगे पूरा समाज आपके साथ खड़ा, हर जात पात हर लोग खड़ा, राहुल जी से अखिलेश जी से सब लोग खड़ा, हम सब लोग उन्हीं के सिपाही है, नदीम जी पूरा सवार से छोड़ के सब लोग यहाँ जितना भी लोग आओ सब लोग खड़ा, कोई बिरादरी बाकी ना, ये ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार मुसलमान यादव हर लोग खड़ा, कोई वर्ग नहीं 3600 का, ये तो अभी गलत जो किया है अत्याचार कर रहे हैं उसका जवाब दिया जाएगा, ये हुई जबरदस्त घबरा मत, केवल इसलिए कि 18 साल 19 साल के लड़के को मार रहे हैं, बताइए घर से ले गए हैं सर, चोरी किया होता तो भागता फिरता रहता, घर पे रहेगा, बिंदास सोया माँ को और लड़की को धमकी देते हैं मैं सुबह 10 बजे छोड़ जाऊंगा, यही बोल के ले जा रहा है। आप तो बाहर थे? मैं गुजरात रहता हूँ सर, गुजरात, पता हम लोग पढ़े थे अखबार में कि आप तो गुजरात में काम करते हैं, क्या कर रहे हो गुजरात में? गाड़ी चलाई साहब अंकलेश्वर में। बाप अब बेटा चोरी करेगा तो बाप क्या गाड़ी चलाएगा, गाड़ी में गाड़ी गाड़ी में घूमेगा कि गाड़ी चलाएगा, घर के हालात देखते हैं भाई, बाप गाड़ी चलाएगा जाके इतना दूर, हजारों किलोमीटर दूर ना भैया, रोजी रोजगार के लिए बाहर, जब बाप जब जब लड़का गलत काम करेगा तो बाप गाड़ी में घूमेगा ना, बाप गाड़ी जाके चलाएगा किसी के साथ, कोई गार्जियन नहीं देखे और लड़की माँ को देखे, उन लोग जबरदस्ती अपना लेके चले गए, अब उन लोग को डरवा के, अब इसमें सर हम कुछ किसी कहने लायक नहीं हो, जब सुना साहब माँ उसकी बहन दोनों बेहोश चल रही, हम भी सुना, हमारा भी दिमाग काम नहीं कर रहा सर, मैं क्या करूँ, एकदम आग ही बुझा दिया मेरा, एक ही लड़का एकदम आग बुझा दिया मेरा, एक ही लड़का, हाँ एक ही लड़का है, एक कमरे का पूरा देश आपके साथ अत्याचार अन्याय के खिलाफ, तो सब लोग इतना ही जबरदस्त ना इंसाफी हुई आपके खिलाफ, आपको लेकर आपके बच्चे को मार दिया इन्होंने, इससे ज्यादा क्या, 2 दिन तब मारा है, सोमवार को रात ले गए हैं, 2 दिन अपने स्टेडियम रखे हैं, पुलिस फिर भी आती जाती थी, पता लगा रही थी गांव किसी को मालूम नहीं है, और उसके बाद इधर आके पूछती थी कि मंगेश आया तुम्हारा, औरत बोली अभी नहीं आया भैया, खुद ही पुलिस वाले पूछते भी थे, हाँ पूछने के लिए आते भी थे, अपनी कस्टडी में रखे भी थे, हाँ अपनी कस्टडी में रखे भी थे, तो कोई घर वाला घर के आदमी गार्जियन नहीं पहुंच पाया पुलिस चौकी, उसके मार किसकी माँ के बोते वो सुल्तानपुर में मुठभेड़ में तेरा लड़का मर गया है उठा ले जा बाड़ी, माँ लड़की तब से ही बेहोश चल रही है सर, उन लोग जिंदा ही नहीं, खाट पर भी कल परसों दवा दिया है, अभी डॉक्टर बोल बताया इन लोग की टेंशन से इन लोग बेहोश हो गया है, अभी उन लोग को भी होश भी नहीं हुई, मड़ाम पड़ी है सर दोनों, जिस संस्था का काम इंसाफ देना है वो संस्था जो है हत्या ही कर रही है, कमाल खुलेआम कर रही है, कमाल ऐसी घटना इन्होंने गोरखपुर में कराई, विनोद उपाध्याय को मारा है होटल में, मारा था, हाँ उठा के लाए वहाँ से, होटल से उठा के लाके मारे उसने, नहीं लिया था नेपाल से, उसी में उसको भी ऐसी घटना है, वही पुराने योगी जी से पुराना उसका झगड़ा था, हमने सामने का नेपाल रहा, नेपाल से जाके यही सभी लोग करते ही हैं, उपाध्याय लड़का था इतने छोटे छोटे बच्चे हम गए थे गोरखपुर को, सुल्तानपुर में जब आप भेजे थे हम लोगों को लड़के को रड से बरगा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता था, वो जो उसको मारे डॉक्टर को बंद करके हम लोग आप भेजे थे प्रनीत मंडल, हम विक्की सब लोग गए थे, देखिए हमारे नदीम विधायक जी बैठे हुए हैं, सीटी है आप बिल्कुल आप भी हैं, क्या नाम है भैया आपका? राकेश। में बहुत बहुत अन्याय हुआ है आपके साथ, और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सब लोग आपके साथ हैं, विशेष रूप से राहुल जी का आदेश था इसलिए अध्यक्ष जी चल के आए, अध्यक्ष जी खुद भी आना चाह रहे थे, और बहुत सब लोग पेन में, बहुत दर्द में,
ये बहुत अच्छा आपके साथ पूरा न्याय होगा, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जो भी आपको सहयोग चाहिए होगा अध्यक्ष जी की तरफ से, वो सारा सहयोग आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे किसी तरह का। आप जैसे चाहो वैसे हम लोग आपके साथ है, तन से मन से धन से। जय मंगल जी, आपकी जिम्मेदारी है जैसे भी जो परिवार से कांटेक्ट करके, और शार्दुल सम्राट जी ही लोकल हैं। शार्दुल जी आपको भैया।